बनने की फाइट अभी भी है सर। किसको नहीं रहती? आशीष भाई से पूछो ये बनना चाहेंगे कि नहीं सर। अभी आप लोग पंचायत नहीं बढ़ाने। तो पहली बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की ख्वाहिश उनके होठों से छू गई। पत्रकार के सवाल का जवाब देने का उनका लहजा भले ही मजाकिया था, लेकिन उन्होंने ये संदेश दे दिया कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अभी का नहीं बल्कि पुराना है। दरअसल अपने प्रभार जिले अंबिकापुर पहुंचे टीएस सिंहदेव ने इस बात का इकरार किया। इस दौरान एक बार उनका दर्द भी देखने को मिला, जब उनसे कहा गया कि बतौर प्रभारी मंत्री आपने अफसरों की बैठक क्यों नहीं ली, तो उनका कहना था कि अभी उन्हें लगता नहीं है कि वो प्रभारी मंत्री हैं, जिस दिन ऐसा लगेगा बैठक भी ले लेंगे। अभी मुझे लग नहीं रहा है कि पूरे तरह से प्रभारी मंत्री बनूं। एक बार मुझे लगे कि हाँ मैं वाकई में प्रभारी मंत्री बन गया हूँ तो मीटिंग भी लूंगा। सीएम बनने की फाइट अभी भी है सर। किसको नहीं रहती? आशीष भाई से पूछो ये बनना चाहेंगे कि नहीं। अभी मुझे लग नहीं रहा है कि पूरे तरह से प्रभारी मंत्री बनूं। एक बार मुझे लगे कि हाँ मैं वाकई में प्रभारी मंत्री बन गया हूँ तो मीटिंग भी लूंगा। सीएम बनने की फाइट अभी भी है सर। किसको नहीं रहती? आशीष भाई से पूछो ये बनना चाहेंगे कि नहीं। सिंहदेव की बातों में उनके दर्द को आसानी के साथ महसूस किया जा सकता है, लेकिन उधर इसे लेकर भाजपा भी तंज कसने से नहीं चूक रही। क्या कहना है उसका आप भी सुनिए। देखिए, ये कांग्रेस की एक रणनीति है, एक चाल है। छत्तीसगढ़ का जिस हिसाब से विकास की गति अवरुद्ध हो चुकी है, 3 साल में जनता जनार्दन त्राहीमाम हो रही है, और इसको ये दिशाहीन करने की ओर ले जाने के लिए ये टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल है, और आने वाले समय में इनकी जो कूटनीतिक चाल है उसको जनता पर्दाफाश करने वाली है। और जिस हिसाब से इनके बीच में ये विषय तय हुआ था, इनको कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिस हिसाब से टीएस सिंहदेव जी को दरकिनार कर दिया है, और भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार पर संलिप्त दिल्ली की जो नुमाइंदे है कांग्रेस के, आज एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, भ्रष्टाचारी कांग्रेस छत्तीसगढ़ को चूस रही है, और इस प्रकार से मिथ्या कई प्रकार के भ्रम को छत्तीसगढ़ में फैलाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा चल रहा है, उसमें से एक टीएस सिंहदेव और दूसरा भूपेश बघेल जी भी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के गठन के बाद से ही लगातार टीएस सिंहदेव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इस बीच उनके दिल में कथित 2.5-2.5 साल का फॉर्मूला फेल होने का दर्द भी नजर आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भूपेंद्र साहू की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।